हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। और ये कंस्ट्रक्शन है ना, बड़ा यार सोने नहीं देता है। सो आज 10 दिनों के बाद ब्लॉग बना रहे हैं, इसके लिए माफ़ी, थोड़े से लगे हुए थे इधर उधर के कामों में। तो अभी जो है मॉर्निंग का 8:20 हो रहा है और मैं जा रहा हूँ यहाँ की म्यूनसिपालिटी कम्यूने में। और कम्यूने में इसलिए जा रहा है क्योंकि मेरी कल जो है जॉब सर्च वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो उसकी डेट है। तो उसकी डेट के लिए आपको चाहिए रहता है सर्टिफिकेट ऑफ रेसिडेंस। तो वो सर्टिफिकेट ऑफ रेसिडेंस जो है आपको वो कम्यूने से मिलता है, तो वहीं पर जाके लेना पड़ता है। और अभी मॉर्निंग का 8:20 हो रहा है और वो 8:30 पर जो है ऑफिस ओपन हो जाता है। तो मैंने कहा जल्दी से जाके सबसे पहले ये काम करवा लूँ, तो वहीं पर जा रहे हैं। ये बैंक है दोस्तों, बैंक का पॉपुलर है डेल कैसिनो। यहाँ से अगर आपके पास स्कॉलरशिप नहीं होती तो आप फीस को जो है इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। एंड हैप्पी न्यू ईयर एज वेल गाइज। आई होप कि आप का 2023 बहुत अमेजिंग हो और आप जहाँ पर भी है अभी वहाँ से यूरोप आ जाए और यहाँ पर जो है चीज़ों को अपने से एक्सप्लोर करें। तो आज है ना दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा ठंड है। मतलब मैं अभी भी फ़ोन ये पकड़ के आप ब्लॉग बना रहा हूँ ना, तब भी मेरा हाथ जो है ऑलमोस्ट फ्रीज जैसा होने लग रहा है। तो आज अब जो है ठंड ज़्यादा बढ़ गई मुझे ऐसा लग रहा है। एंड ये अच्छा है, जब भी आप जेब्रा क्रॉसिंग पर होते हो ना तो अपने आप जो है ऑटोमेटिकली गाड़ियाँ रुकने लग जाती है। एंड यू फील लाइक अ बॉस। ये यार कैफ़े अच्छा था, ये अमेरिकन बियर एंड कैफ़े, बार एंड कैफ़े, बट यार बंद हो गया। कैफ़े के बिजनेस ज़्यादा चलते नहीं लगता है मुझे, क्योंकि एक्चुअल जो पैट होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सब कुछ मिला कर कम्प्लीट एक्सपेंसिस के बाद, वो ज़्यादा होता नहीं इनमें। ये एक और शॉप है जो काफ़ी सही प्राइजेस में क्लोज देते हैं, जैसे 10 यूरोज में, 24 यूरोज में। देखो ये 3 यूरो में तो चलो स्काफ है तो चलता है वो तो। और ये जो कम्यूने है दोस्तों, ये वही प्लेस है जब मैं लास्ट टाइम आपको लेकर गया था ना, फूड वाउचर जब हमें मिला था तो हमने अप्लाई किया था, वही जगह पर अब वापिस जा रहा है। सुबह से कैफेज ओपन हो जाते जैसे हमारे यहाँ चाय की शॉप्स ओपन हो जाती पीजन। तो देखो दोस्तों, कई ATMs ऐसे यहाँ पर मिलेंगे आपको। और ये बैंक की एक्चुअली बहुत पुराना बैंक है, और इटली में आओ और ऐसे ग्राफिटीज ना देखने को मिले आपको वॉल्स पे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। हर जगह कुछ कुछ लिखा रहता है। और ये है शॉर्टकट हमारे शहर के कैसिनो के कम्यूने पहुँचने का, वो रहा कलरफुल बिल्डिंग, वहीं पर हमें जाना है। पार्किंग एरिया, पार्किंग की बड़ी समस्या रहती है यूरोप में यार, बहुत समस्या रहती है, खरीदनी पड़ती है हर बार। तो अभी जो है मैं कम्यूने में आ तो चुका हूँ, लेकिन अभी 3 मिनट्स और है ऑफिस को स्टार्ट होने के लिए, तो अभी जो है हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये लोग बड़े पक्के रहते हैं टाइम के, जिस टाइम क्लोज़ करना रहता ना तो क्लोज़ कर ही देते, फिर वो नए एंटरटेन नहीं करते किसी को। फिर सो गाइस, हाफ ऑफ माई वर्क इज़ डन, बट अभी फिर उन्होंने बोला कि एक स्टैम्प लेकर आना है 16 यूरो का, मार्का दी बोल स्टैम्प बोलते उसको, अब वो लेकर आऊँगा, फिर वो उनको वापस दूंगा और तब जाके वो मुझे फाइनली सर्टिफिकेट ऑफ रेसिडेंस जो है वो देंगे। बड़ी लंबी प्रोसेस होती है और कई बार ये लोग आपको घुमाते भी हैं, और कई बार जब आप नए नए आते हैं और बिल्कुल भी इटालियन थोड़ी सी नहीं बोल पाते तो कभी कभार इरिटेट भी हो जाते, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। ये बहुत एक्सपेंसिव शॉप है यहाँ की, और उसके ओनर के पास भी शायद लगता है BMW है। तो यहाँ पर मिल जाएगा तबाकी पर मार्का दी बोलो, अब 16 यूरो का और ख़र्चा, 1200-1300 रुपये का। ये ऐसे छोटे मोटे खर्चे बहुत होने वाले दोस्तों आप लोग के जब आप यूरोप आने वाले, और यहाँ से आप जो है अपनी कार चार्ज कर सकते हो। और इसी शॉप पर जो है मैं मार्का दी बोलो लेने, यहीं पर मैंने लॉटरी भी खेली थी, अगर याद हो मेरे लॉटरी वाला ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा तो याद है। सो अभी हम शॉप पर ही गए, ऐसा कुछ दिखता है ये मार्का दी बोलो जो स्टैम्प होता है 16 यूरोज़ का आता है, और बहुत सारे ऑफिशियल वर्क्स में इसका काम होता है। शुक्र रख लेते हैं हम यहाँ पर वॉलेट में। आज मुझे फिर से मन कर रहा था कि मैं लॉटरी खेलूँ, लेकिन फिर अपने आप को रोक लिया। और जब इन शॉप्स में जाते हो ना, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है, एकदम से वार्म टेम्परेचर मिलता है, तो वार्म टेम्परेचर में और अच्छा आपको लगने लग जाता है। और ये ला कॉपिस्तेरिया करके ये पीछे फोटोकॉपी शॉप दिख रही होगी, जनरली इसी शॉप से मैं सारी फोटोकॉपीज मेरी करवाता हूँ। 10 सेंट्स लगते हैं यहाँ पर एक फ़ोटोकॉपी कराने के लिए, थोड़ी सी महंगी है, 10 टाइम्स महंगी है इंडिया से। और इटली में दोस्तों अगर आप आओगे तो ये बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्डिंग है पोस्ते तिलियानी की यहाँ पर, और आपकी रेसिडेंस परमिट एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट ओपनिंग, ये सारी की सारी चीज़ें यहीं से ओपन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है यहाँ पर रहने के लिए।
सो गाइस सक्सेसफुली सर्टिफिकेट ऑफ रेसिडेंस वाला काम जो हो गया है, अब जो है मुझे कुछ फोटोकॉपीज करानी है और कल के लिए रेडी होना है। यार मुझे टेंशन हो जाती है जब तक मेरे सारे काम रेडी नहीं होते ना तब तक, और इसके बाद सिर्फ एक बैंक स्टेटमेंट और निकालना रहेगा, बस ये सारी चीज़ें, दो तीन चीज़ें और बची है वो आज तक मुझे करनी है एंड देन इट्स डन। टुमारो आई एम ऑल सेट टू अप्लाई फॉर जॉब सर्च परमिट, एक्चुअली कह सकते हो रेसिडेंस परमिट। सो अभी मैं जा रहा हूँ फोटोकॉपी शॉप पर क्योंकि कुछ फोटोकॉपीज करवानी है तो उनके लिए। यहाँ पर टेलीफोन बूथ स्टिल एग्जिस्ट करते हैं, मानेंगे आप। ये आ गई हमारी फोटोकॉपी शॉप पास के पास, कल बहुत चीज़ें खरीदी मैंने शॉप से। सो गाइस फोटोकॉपी का भी काम हो गया है, 40 सेंट्स की फोटोकॉपी हो चुकी है, चार पेज की बस मुश्किल से कराई है मैंने। सो अब बस यही कि आज मेरी बहुत सारी एक अपॉइंटमेंट और है 10 o'clock पे, और अभी फिर से काम स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से दिन गुजर जाता है, और इसलिए आजकल बीच में जो है मैं व्लॉग्स नहीं बना पा रहा था, बट कोशिश करेंगे कंटिन्यू करने की, क्योंकि क्या हो रहा है कि चार बजे के बाद अंधेरा होने लग जाता है, फिर अंधेरे में क्या व्लॉग बनाऊँ यही सोचता हूँ मैं। और कल जो मेरा लोड है ना ये फिंगरप्रिंट्स का, रेसिडेंस परमिट एप्लीकेशन का, ये हो जाए ना तो फिर काफ़ी ईजी हो जाएगी मेरे लिए चीज़ें, उसके बाद फ्री हो जाऊँगा मैं। फिर हम बहुत सारे ट्रैवलिंग करने वाले हैं, ऐसा मेरा प्लान किया हुआ है। तो ये जगह आप फैमिलियर होंगे इस जगह पर, काफ़ी बार आया हूँ, काफ़ी बार यहाँ पर व्लॉग्स बनाए, वीडियोज़ भी बनाए हुए मैंने। दिस इज़ द सेंटर ऑफ कैसीनो, यहाँ पर काफ़ी जब सैटरडे होते हैं तो पार्टीज़ वगैरह होती है, ऐसे फेयर हो जाता है, बना देते ये लोग, काफ़ी अच्छा लगता है। एंड गाइज मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि जॉब सर्च परमिट अप्लाई करने के लिए, चरका दी लवोरो बोलते हैं उसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं एक्चुअल में। कल मेरा काम हो जाए उसके बाद मैं उस वीडियो को बनाऊंगा, ताकि वो आपको हेल्प करे कि कितने टाइम का मिलता है एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और क्या आप स्टडीज़ के बाद अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होने वाली है। जगह आपको खाली खाली सी दिख रही होगी, यहाँ अगर आप सैटरडे नाइट आ गए तो यहाँ पर खड़े रहने की जगह नहीं मिलती, आपको बता दूँ, लिटरली बता रहा हूँ। सो देखो अब ये छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन था, इसको करने में करीबन मेरा 1 hour चले गया। तो यहाँ पर क्या टाइम भी लगता है, आपको वॉक करके जाना रहता है कई बार, तो जैसे आप बड़ी सिटी में हो रोम मिलान में, तो वहाँ पर तो बहुत ट्रैवल करके जाना पड़ता है, तो छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है कभी कभार, पर थैंकफुल इसने आज ही करके दे दिया, नहीं तो वो बोलते कि 2 दिन बाद आना तब लेके जाना, बट स्टिल कोई नहीं। तो आज का ये छोटा सा ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ मैं, नेक्स्ट ब्लॉग्स अब रिकरिंग बनाने लगूंगा जल्दी जल्दी कंटिन्यूस बेसिस पे। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।